अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी पर शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में कपिल नगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी पर शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में कपिल नगर पुलिस ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी अल्पेश राजपाल शेंडे पंचशील नगर निवासी बताया जा रहा है। अल्पेश ने शादी का झांसा देकर एक 17 वर्षीय किशोरी को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, साथ में दोनों का घूमना फिरना भी बहुत हुआ। इस दौरान अल्पेश ने किशोरी का एक अश्लील वीडियो भी बना दिया, लेकिन किशोरी शादी करना नहीं चाहती थी। किशोरी का कहना है कि वह अभी कोई काम धंधा भी नहीं करता, साथ ही उसकी उम्र भी शादी की नहीं है। इससे खफा अल्पेश ने किशोरी को उसका अश्लील वीडियो दिखा कर कई बार ब्लैकमेल करना चाहा, धमकी भी दी कि अगर शादी नहीं की तो वीडियो उसके रिश्तेदारों को भेजकर उसे बदनाम कर देगा। फिलहाल इसी बात से परेशान होकर किशोरी ने इस मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी। मुलगी जी आहे ही अल्पवयीन आहे, इचं लग्नामध्ये गेलेली होती नातेवाईकांच्या, तिथे ओळख झाली त्यांची, दोघात ओळख झाली, मैत्री झाली। मात्र मुलींमध्ये प्रेमसंबंध नव्हते, पण मुलगा पाठला करायला लागला तिचा की मला तुझ्यासोबत लग्न करायचं आहे म्हणून, आणि ती नाही म्हणायला लागली। तरी पण त्याने इंस्टाग्राममधून पण तिला फॉलो केलं आणि असं पण पिछा करायला लागलेला होता पाठलाग, आणि आईवडिलांनासुद्धा तिचा त्रास द्यायला लागलेला होता। याच्यावर आपण ती आली मग पीडिता आपल्याकडे आणि आपण गुन्हा दाखल केला त्याचा, 354 ड आणि पोक्सोचे कलमांतर्गत आपण गुन्हा दाखल केलेला त्याचा। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।